लचारी नाल जो काम करिए ते खुदा भी नहीं पसंद करता, खुशी दे नाल जज्बे दे नाल उन्हें इत्थे ला दिओ टप्पे ते आ जे धमालां पै उड़ियां है ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। जिंदगी वो बदलेगा।
उसकी सोचे मांगेंगे, जिस्मानी सोचे हम उससे कहेंगे कि तब्दील कर दे, रूहानी सोचे आज कहिएगा सोचो जो बदले Yeah.
हालेलुया कदूस मेहरबान सच्चे जिंदा आसमानी बाप
हम तेरा दिल की तगड़ाइयों से खुदावन शुक्रिया अदा करते हैं इस शाम के लिए जो खुदावन तूने हमारी जिंदगी में बख्शी है। खुदावन दुआ करते हैं तेरे खादिम के लिए, खुदावन तो अपने खादिम का मुंह बनना, हाँ खुदावन तो अपने बंदा का जोर बनना। खुदावन आज तेरा बंदा ना बोले बल्कि तेरा पाक रूस में सरों से बोले। खुदावन खुदावन अपने बंदा के लफ्जों को तरतीब देना ताकि खुदावन तेरा बंदा लाइट तौर से उन कलाम के लफ्जों को हम तक पहुंचा सके खुदावन जो तूने उसके मुंह में रखे है। खुदावन हाँ खुदावन अपने बंदा के साथ हो, उसकी बड़ी रहनुमाई करना। खुदावन हाँ खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगियों में बहुत सा फलदार साबित हो। खुदावन हाँ खुदावन महज हम सुन करना चले जाए, खुदावन इसको अपने जहनों में जहन नशीन करने वाले हो। खुदावन छू और पार कर मांगते हैं मसीहा के नाम से, आमीन। आइए मेरे अजीज़ खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को स्टेज पर दावत देंगे कि वो आए और खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें। आप सबकी भरपूर तालियों में दाऊद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली और फतह मंद नाम में आप सबकी सलामती हो। क्या खुश हैं? हालेलुया हालेलुया। ठंडा जिया नारा हालेलुया। सर्दी तो लग रही? हालेलुया हालेलुया। इन्ने लोग के आवाज फिर थोड़ी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और आप सबों को नया साल मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको इस साल आसमान और जमीन दिया सारी बरकतां दे। आमीन। क्योंकि तुसी आम लोग नहीं हो, तुसी बादशाहां दे बादशाह दे बच्चे हो। हालेलुया ते बादशाहां दे बच्चे की हुंदे ने? शहजादे शहजादियां। हालेलुया आप शहजादे हो क्योंकि आप शाही कहनों का फिरका हो। और क्या आप बता सकते हैं कि आज हम इबादत क्यों करते हैं? पीछे वाले हो आज की होया सी? आज तो होया सी के असी इबादत कर ले हैं, नवा साल के चलता ही है, लेकिन हमें पता कि आज क्या हुआ था। नहीं पता, नाम रखा गया था। चले ये मेरा मजमून नहीं है, लेकिन हम इस हवाला को आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लूका की अंजील में भी आप पढ़ सकते हैं, मत्ती की अंजील में भी, कि यीशु मसीह का आज नाम रखा गया था। आज यीशु मसीह को हैकल में लाया गया और वहां यीशु मसीह का नाम रखा गया और वहां एक शख्स था, उस शख्स का नाम की सी बस धुआं तेन नहीं पता है। चलो ना बोलिया उसी भी बोलिया करो, ओदा ना ही शमाउन ते ओदे उते नबूवत हुई सी, ओदे उते पेशन गोई हुई सी,
बड़ी उम्र दा सी ते ओनू कहा गया सी कि जब तक तू खुदा दी निजात ना वेखेगा तू मौत नू नहीं वेखेगा, तू मरेगा नहीं। इस वास्ते यीशु मसीह नू जदों हैकल दे विच लैके गए ते ओ शमाऊ ने यीशु मसीह नू अपने हथां ते अपनी गोद च उठाया, फिर दुआ कीती, दुआ की कीती, दुआ कीती के ऐ खुदावन मैंने अपनी आंखों से तेरी निजात देखी है। ते आवाज इन्नी घट निजात वेखी है, मैंने तेरी आंखों से आज मैंने अपनी आंखों से तेरी निजात देख ली है, अब अपने बंदा को सलामती से रुखसत। कहिंदा हुण मैनू चुक लै, मैं तेरी निजात वेख लई है। अज एक होर पेशन गोई उन्हें कीती, ओ पेशन गोई की है? पेशन गोई मुकदसा मरियम के मुतालिक भी उन्हें कीती। इहदे विच ही कलाम दे विच लिखिया है, कलाम दे विच लिखिया है कि शमाऊन ने रूहुल कुछ से मामूर होकर मुकदसा मरियम के बारे में नबूवत की। नबूवत क्या थी? के खुद तेरी जान मुकदसा मरियम के बारे क्या कि तेरी जान तलवार नाल छेद दी जाएगी, तेनू कतल कर दिता जाएगा, मार दिता जाएगा। इस तरह सारे शगिर्द भी कतल मनादी करते करते, ते आज पूरी बाइबल पढ़ के देख लो किते भी मुकदसा मरियम जिंदा नहीं उठाई गई। पूरी बाइबल पढ़ के वेख लो, उंज असी टेवे लांदे रहिए ते वखरी गल है, टेवे सानू आसमान की बादशाही च नहीं लैके जाणगे। बाइबल मुकदस ने अंदर जेड़ी पेशन कोई कीती गई वह पूरी हुई है। शगीर्द भी सारे शहीद होए, मुकदसा मरियम भी शहीद हुई, कलाम फरमाता है। लेकिन आज हम जो नए साल के आगाज में इबादत कर रहे हैं, असल इसकी जो बेस है वो यही है कि यीशु मसीह का आठवें दिन नाम रखा गया। और आज असा साल नवे रंग दे दिते गए दिते ने। आए मेरे साथ कलामे मुकद्दस की तरफ आते हैं। आज हम कलामे मुकद्दस में से देखेंगे इस्तिशनाह की किताब और उसका 11वां बाब। ओए बच्चे चुप कर जाओ थोड़ी देर वास्ते। उसका 11वां बाब शरीयत की ये 5वीं किताब है। सिशना उसका 11 बाब और उसकी 11वीं आयत से हम कलामे खुदा की तलावत करेंगे। कलामे खुदा में यू रकम है, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो, वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, बड़े गौर से सुनिएगा, और साल के शुरू से
साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती है। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज के दिन आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। खुदावंत के कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंत की बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखिएगा। यहां पर खुदा का बंदा मूसा कौम बनी इसराइल से ये फरमा रहा है, वो ये बातें उनसे कर रहा है, वो उनको समझा रहा है कि जिस मुल्क में तुम जा रहे हो जेड़े मुल्क दे विच तुसी अपना कब्जा करन जा रहे हो ओ मुल्क कोई आम मुल्क नहीं है, वो बड़ी खास जगह है, वो बड़ा कीमती मुल्क है, ओदे विच दूध ते शहद बहिंदा है। यानी वो कहता कि तुसी मुल्के मिस्र दे विच तुसी पैरां नाल खालियां बनाउंदे हो फिर वो पानी उथों तक जमीन तक लैके आउंदे हो लेकिन ये मुल्क जेड़ा ये पहाड़ा ते वादिया दे नाल पूरे ये जमीन जेड़ी है वो बारिश दे नाल सराब हुंदी है। सराब का मतलब समझ दे। हाँ जी किसी ने कदी मूंजी लग दिया या पैरी वादिया वेख्या किसी ने? बहुत ऐसी पिंडा भी आए हैं जो पैरी वगदी है ओनू पानी दिता जाता है पानी नाल जमीन पैरी भर जाती है तो कहते सराब करना ओदे वास्ते नहरां चो पानी लिया जाता है ओदे वास्ते सराब करना टूवल लगाए जाते ने ओदे वास्ते वड्डियां वड्डियां मोटरां लाइयां जांदियां ने लेकिन ए मुल्क जेड़ा कौम बनी इसराइल दे वास्ते वे अज भी तुसी वेख लो यरूशलम जेड़ा है ओ पहाड़ां दे विच लुकिया होया बड़े वड्डे वड्डे पहाड़ दरख्त हरे हरे मेवाछा दरख्त लेकिन यहां पर एक हुक्म देता है मूसा कहता है कि जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं जो खुदा ने मुझे कहा है जो आज मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम अपने पूरे दिल से अपनी पूरी जान से अपनी पूरी ताकत के साथ क्या करना है खुदा की बंदगी करनी है। हालेलुया। ते फिर की होएगा साल दे शुरू तो लैके आखिर तक खुदा कहता कि मैं तुहानू बरकत पिछला साल गुजर गया बहुत सारिया सारिया ख्वाहिश जो हमने डिजायर की हुई है वो पूरी नहीं हुई जेडिया साडिया ख्वाहिशां वो रह गया दबिया दिया ही पूरिया नहीं हुई वजह की वजह यह है कि हमने पूरे तौर
वास्ते असी बरकतां तो खाली खरूज की किताब दे विच लिखिया है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत वो कौन और अगे लिखा कि मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा ना कोई भांज रहेगी और मैं जमीन पर तेरी उम्र दराज लेकिन करना थी इबादत फिर जो असी इबादत करांगे अज भी असी इबादत कर रहे हैं हूं भी इबादत कर बैठे हैं लेकिन बहुत सारे का ध्यान पीछे भी असी हकीकी तौर पर इबादत भी यहां तो असी बच्चों के ध्यान लग जाने ते जे बच्चों ध्यान नहीं तो बच्चों असी मोबाइल फड़ा हटने आलो ध्यान लगे रहो कलाम ना सुनो कि तरबियत मिल जाएगी लेकिन जब हमें पता चलेगा कि इबादत कैसे करते हैं जब कलाम सुनेंगे कलाम में से हमें पता चलेगा कि वो कैसे इबादत की जाती है कैसे हम सिद्धा करते हैं कैसे हम प्रस्तुत करते हैं कैसे हम इबादत करते हैं कैसे हम उसकी हजूरी में बैठते हैं। और आज मैंने देखा है कल ये बात हुई थी कि जब हम चर्च में आते हैं तो हम सिजदा नहीं करते लेकिन आज मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो आए और उन्होंने पहले सिजदा किया सिजदा किनू करना ते इबादत की नहीं करना आए थे ते इथे खुदा मौजूद है ना ते जिदो असी सजदा करने ते किसी इंसान नू नहीं करते असी खुदावंद नू सिजदा करने हैं। इस वास्ते सानू जरूर है कि असी रूह ते सच्चाई दे नाल पूरे दिल दे नाल पूरी जान दे नाल पूरी ताकत दे नाल खुदावंद दे नाल मोहब्बत रखिए फिर ओदी बंदगी करिए क्योंकि लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है और वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत बहुत साडा इथे होवे रूह साडी किते घर बैठी होवे ते फिर इबादत हुंदी है ध्यान किते होवे असी आ जिस्म लैके इथे बैठे हां ते साडी सोच घर होवे ते फिर इबादत हुंदी है पूरे दिल नाल पूरी जान नाल पूरी ताकत नाल ए इबादत नहीं है। पिछले साल अगर असी अपनी जिंदगी दे विच ए लापरवाहियां कीतियां ने जिन्हां दी वजह तो असी बेबरकते ठहरे जिस वजह तो असी साडियां जरूरतां पूरियां नहीं होईयां जिस वजह तो असी परेशान होए लेकिन खुदा ते कहिंदा है कि तू खुदा दा अपने खुदा दी इबादत कर ते मैं तेरी रोटी ते पानी ते बरकत देंगा। ते यीशु मसीह ने करके भी विखाया बरकत दीती उथे दो लिखा एक वो और एक मैं वो तेरी रोटी और पानी पर बच्चियों बह जाओ आराम नाल बैजो लिखे वो तेरी रोटी और पानी पर वो कौन वो यीशु मसीह के बारे में कहा है और यीशु मसीह ने ये करके दिखाया है उसने पांच रोटियां ली दो मछलियां ली और किन्नियां नु शेयर कीता नहीं पता
ते फिर डरदे क्यों? कलाम बोलन लग्या डरना नहीं चाहिदा। पांच रोटियों से और दो मछलियों से कितने हजार को शेर किया? पांच हजार सिर्फ मर्द हैं, औरतां भी सन ते बच्चे भी सन, उन्हां दी गिनती विच नहीं है। ते टोकरे किने बचे? बारह टोकरे। बरकत आई कि नहीं? ते यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ कर दे पहाड़ा दे, कले दिने मनादी करनी, रात दुआ करनी, ते बरकत आउनी ही कि नहीं आउनी? ते असी जे इबादत विच भी हुन्ने आ ते साडा ध्यान किदे हुंदा? ते फिर बरकत कित्थों आउनी है? बरकत किवें आउनी है? अगर असी हकीकी तौर ते इबादत करना सिख गए, ओदी प्रस्तुत करना सिख गए, ते फिर साडे घरानियां च कदी भी बेबरकती नहीं होएगी। कोई बीमार हुंदा असी उन्हां नूं इंज चुकने ते हस्पताल अंदर लै जाने, हजारां रुपये लै जाने, लेकिन खुदा कहिंदा कि मैं तेरे बीच से बीमारी को यीशु ने तो सारा कुछ ही करके विखाया। लेकिन यीशु मसीह आता है आज भी, वो फल ढूंढने आता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ता है। अगर हम हकीकी तौर पर उसकी इबादत करते हैं तो एक यीशु मसीह ने तमसील कही यहां पर अस्तिशना के अंदर, जो हवाला हमने पढ़ा है, ये हमें यही बताता है कि अगर हम इबादत करेंगे पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से उसकी बंदगी करेंगे, ते खुदा की करेगा साल दे शुरू दे विच, शुरू तो लेके आखिर तक साडी हिफाजत करेगा, सानू बरकत देगा, साडे वास्ते आसमान तो खोल देगा, साडी हर जरूरत पूरी करेगा। और खुदा कोई इंसान नहीं है जेड़ा कह के मुकर जाता है, क्योंकि खुदावंद कहता है कि मैं ला तब्दील खुदा हूं, जो कहता है वो पूरा करता है। हालेलुया। आप इसलिए मुबारक हैं कि आप उस खुदा की इबादत करते हैं जो आपकी फिक्र करता है। कभी ओदे ते फिक्र सट के ते वेखो, कभी तजर्बा करके वेखो कि खुदा कितना मेहरबान है। कदी ओदे हजूर गिड़गड़ा के वेखो, ओदे हजूर दुआ करके वेखो, ओ किंजा समान खोल दे, तुहानू पता ही नहीं चलना कि किधरों किधरों साडी जरूरत पूरी हो रही है। ए तां ही होएगा जदों असी वफादारी दे नाल, दयानतदारी दे नाल असी ओदी इबादत करांगे। लेकिन असी अबलियत किनू दिने आ? अबलियत असी अपने जिस्म दी ख्वाहिशां नू दिने आ। ते जदों असी जिस्म नू अगे रखने आ ते रूह नू असी पिछे कर दिने आ, ते रूह ते जिस्म दा कोई जोड़ नहीं। रूह जिस्म दे खिलाफ काम करदी है, क्योंकि रूह खुदा की रूह जो है वो रूहानी काम चाहती है। रूह ये कभी भी बदी की तरफ नहीं आता, लेकिन जिस्म जिस्म दिया ख्वाहिशां की ने दुनियावी कि मेरे को ऐवी चीज होनी चाहिए, इन्ना रुपया होना चाहिए, गड्डी होनी चाहिए, मेरे को सब कुछ होना चाहिए। लेकिन रूहानी बंदा जो है, जो रूह है, वो रूह खुदा के साथ कनेक्ट करती है। लेकिन हमें करना क्या है? अगर हम
फर्ज करे कि यीशु मसीह हुणे ही आ जांदे ने, तुहानू पता कि कदों आ सकदे ने? किसे नूं ही नहीं पता। अगर यीशु मसीह अभी आ जाते हैं तो हम क्या उसके साथ बादलों पर उड़ सकते हैं? असी इस काबिल है वा कि साडे काम, साडे करदार, साडे अंदर रूह दे फल है ने कि जेड़ा यीशु मसीह हुणे ही आ गए ते हुणे ही असी उड़ जाइए? अगर नहीं ते साल दे आगाज दे विच सानू ये सब कुछ करना, अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने एक तमसील कही, उस तमसील को हम देखेंगे और फिर हम क्लोज करेंगे। अगर आप लूका की अंजील देखते हैं तो यहां पर एक हमें तमसील मिलती है। लूका की अंजील का 13वां बाब है। बाब का क्या मतलब है? बाप का मतलब है दरवाजा, और ये अरबी जबान का लफ्ज है। 13वां बाब और उसकी 6वीं आयत से हम देखेंगे। और आजकल हम दुआ नहीं करते, लेकिन तरले मारनारे बड़े ने कि खुदावन दे देते रहम कर दे, खुदावन ऐ मेरी भैन नू जिंदगी दे दे, ए बीमार इनू शिफा दे दे, ए मेरा भाई बड़ा पिछे जा रहा इनू वधा दे, इनू बरकत दे, लेकिन आप असा कुछ नहीं करना। लेकिन सानू इस काबल होना चाहिए कि साडी जिंदगी दे विचों खुदा नू फल नजर आना चाहिए। ओ फल रूहानी फल होना चाहिए, रूह के फल हमारी जिंदगियों में नजर आने चाहिए। और कलाम में हम देखेंगे, 6वीं आयत से हम पढ़ेंगे, लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उस पर जवाब में उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी इसे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। यानी हमारी जिंदगी के अंदर कितने साल बीत चुके हैं? कोई 5 साल का है यहां पर, कोई 1 साल का है, कोई कुछ महीनों का है, कोई 10 साल का, कोई 20 का, कोई 25 का, कोई 50 का लगा ले, 60 का भी होगा। लेकिन हमें अपने आप पर गौर करना है कि क्या हम अंजीर के दरख्त तो नहीं जिसे मालिक उस दरख्त के अंदर फल ढूंढने आता है, लेकिन फल नजर नहीं आता। और यीशु मसीह ने तो ये कहा कि जाओ फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, तो फल आपकी जिंदगी में है या नहीं, इस बात को हमने सोचना है। मालिक ने ताकिस्तान लगा दिया है और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी
और तू मेरी डालियां। ते जिहड़ियां डालियां होंदियां ने फल लिआउंदियां ने। फल किहनूं लगदा है? डालियां नूं। दरख्त तना जिहड़ी डालियां होंदियां ने फल उहनां नूं लगदा है। लिखिआ कि एक मालिक ने एक ताकिस्तान लगाया। ये तमसील की है, खुदा ने इस दुनिया नूं पैदा कीता, खुदा ने ये ताकिस्तान जिहड़ा है खुदा दा है, असी सारे खुदा दे हाथ दी कारागरी हां, लेकिन खुदा देख रहा है हमें। अगर हम पैदाइश की किताब को देखें, अगर खुदा देख रहा ना होता ते केवे नूह दे दौर दे विच लोकां दी शरारत उहदे तक पहुंच सकदी? कलाम में लिखा है कि खुदा की आंखें जमीन पर सैर करती है, और ये भी लिखा है कि इंसान की सब राहें उसकी आंखों के सामने हैं, और वही उनको हमवार बनाता है। ये ना सोचियो कि ऐ हुण मैं काम कर लांगा ते मैनू खुदा नहीं वेखेगा। खुदा ने अपनी नजर तुहाडे ते जमाई होई है, क्योंकि उन्हें अपनिया हथेलियां ते तुहाडी सूरत नूं खोदिया है। वो जानदा है, वो तुहाडे नाम भी जानदा है, तुहाडे कमां नूं भी जानदा है, लेकिन खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। और खुदा कदी भी किसी की हलाकत नहीं जी चाहता। कलाम दे विच लिखा है कि अगर शरीर भी मरदा ना ते ओदे उते तुसी खुश ना होवो। शरीर की मौत ते भी जिहड़ा शरारती बंदा कह लो कि शरारता नाल भरिया होया, कि जिहड़ा बड़ा ही तंग करदा है, अगर वह भी मर जाता ना इस दुनिया तो रुखसत हो जाता है, ते कलाम कहिंदा खुशी ना करो, बड़े खुश ना हो, अपने आप ते गौर करो। गौर की करना कि यीशु मसीह फल ढूंढने आता है। ताकिस्तान लग गया, ऐ ताकिस्तान है, ओ मालिक पैदा करने वाला खुदावन यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। और अंजीर का दरख्त ताकिस्तान के अंदर लगाया जाता है, और मालिक फल ढूंढने 3 साल से आ रहा है, लेकिन फल नहीं मिल रहा। यीशु मसीह आज भी दुखी ने, वो आज भी शिफायत कर रहे ने तुहाडे वास्ते। पाप रू साडे अंदर शिफायत कर रहे हैं, साडी रूह दे नाल मिलके यीशु मसीह आसमान ते अपने बाप दे दाहिने हाथ बैठे हुए ने, और उत्थे शिफायत कर रहे ने कि मेरे लोकां नूं माफ कर दे, मैंने उनका फिदिया दिया है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर रूह के फल नहीं, तो हम आज भी यीशु मसीह को सलीब, आज भी असीं उहनूं किल ठोकने, आज भी असि उन्हों अलानिया जलील कर रहे हैं अपने कमां तो। साढ़े काम ही इंज दे ने। आप राती भाई गल सुना लिया के भाई की गली दे विच लड़ाई हो रही, लड़ाई हो रही 10-15-20 दिन पहले, वड्डा दिन यानी 12वां महीना शुरू होने ते ला लो 2-4 दिन बाद 5-6 तरीक ला लो, 2 पार्टियां लड़न दियां ने क्रिश्चना दियां। एक बंदा गैर मसीही वो वेख रहे ने, वो बंदे नूं उन्हां ने कहा कि एक बंदा बड़ा मुजज़ आदमी, वो आंदा भाई आजो अंदर अंदर आजो, इन्हां दा आलमी देना आ रहा जे,
रहसल करने जे नहीं समझ आई कि हम हर क्रिसमस पर शराब पीते हैं और बहुत सारी जिंदगियां मर जाती हैं, तबाह हो जाती हैं और हम दूसरों के लिए क्या नमूना बनते हैं। वो बंदे ने कहा कि इन्हों का आलमी दिन आ रहा है, इन्हों छड़ते हुए इन्हें यही काम करना हूं। तो की उथे यसु मसीह की उथे खुशी हुई, ओनू अलानिया जलील किया गया। असी अपने कमां तो यसु मसीह नू बदनाम करने हैं, ओदी बेइज्जती करने हैं। अपने कमां तो असी यसु मसीह नू केले ठोक रहे हैं। हाले भी अपने जिहड़े साडे सिर ते कंडे लगने सन ओह असी यसु मसीह दे सिर ते अज भी धरने हैं। लेकिन जरूरत इस गल की है कि सानू अपने आप से गौर करन दी। लिखा वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यसु का भी। यसु मसीह का की मिजाज थी? उन्हें बीमारा शिफा दी, उन्हें भूखिया खाना खवाया, उन्हें मुरदिया जिंदा किया, उन्हें कोड़िया पाक किया, उन्हें सारे वास्ते ही निजात का बंदोबस्त कर दिता। ते असी की कर रहे हैं? क्या साड़ी जिंदगी दे विचो दूसरे नूं कोई बरकत मिलती? असी दूसरे दे वास्ते बरकत का वसीला बनने हैं? बागबान मेहनत कर रहा है लेकिन मालिक ने बागबान नूं रखिया कि बाग की निगबानी करे। ते ऐ बागबान है, ऐ ताकिस्तान है, इंसान नूं दरख्त की मानद किया गया वे। ते अज अगर साडी जिंदगी दे विच फल नहीं है ते फिर साडा इबादत करना, दुआवां करना, गीत गाना, ढोलक वजाना, तालियां वजाना की है? बेफायदा। अगर साड़ी जिंदगी दे विच फल है ते फिर असी कह सकते हैं, फिर असी यसु मसीह दे जन्मदिन नूं भी सही तरीके नाल मना सकते हैं। ओदा हर दिन ही वड्डा दिन है, ओदा हर दिन जिहड़ा क्रिसमस है, जिहड़ी जिंदगी दे विच रूह दे फल काम करते ने, ओ हर दिन ही यीशु मसीह की कुर्बत नूं अंछवाए करदे ने, ओदी हजूरी विच रहिंदे ने। ते जिन्हां ने यीशु मसीह नूं बस ना ही रख्या कि मेरा ना फलाना मसीह है, ना दे मसीह बनन नाल फल पैदा नहीं हुंदा। इत्थे बागबान मालक दे तरले कर रहा है। तरले की कर रहा है कि मालिक तीन साल दे विचों इस अंजीर दे दरख्त चो फल लभन आ रहा है पर फल ओनू नहीं लभदा। ते ओ बागबान नू कहिंदा कि भाई इहनू कट दे, एवें इहने जमीन नू भी रोकिया, जगह मली है। ते बागबान कह रहा कि ऐ खुदावन, ऐ मालिक। खुदावन दा मतलब की है? इन्हू ही सुन लेंगे, ये भी अपनी मर्जी का मालिक। बागबान कहता है कि ऐ मालिक, ऐ खुदावन, ऐ साल तू इन्हू रहन दे, मैं तेरी मिन्नत करना है कि ऐ साल जिहड़ा इन्हू दे दे, मेरी दरखास्त है, मेरी मिन्नत है, मेरी अरज है कि मालिक तू ए साल इनू दे दे। मैं एदे चौगिर्द थाला खोदांगा, मैं मेहनत करांगा, मैं एदे खाद भी इनू दियांगा, मैं इनू पानी भी लावांगा, मेहनत करांगा, इनू छांटांगा भी, तराशांगा भी,
ताकि इहदे अंदर तू अगले साल आवे ते फल मिलन, ते जे फल ना मिलिया ना अगले साल ही ते फिर तू अपनी मर्जी पूरी फिर तू आखेगा ते फिर कट देंगे। ते आज साड़ा की हाल है, कलाम आज मेरे लिए है, आपके लिए है। दरख्त हम हैं, मालिक खुदा है, और मालिक हम में फल देखना चाहता है। उसने साल दे दिया, पिछले साल असी फल नहीं लियाए, असी अपनी मन मर्जियां कीतिया, दिल कीता दुआ कर ली, दिल कीता कलाम पढ़ लिया, जे बड़ी भी यहां छाल मारी के सवेरे सवेरे दिल कारी आया दुआ करन वास्ते, दौड़ लगी है काम दी भी, ते छेती छेती कीता के बाप बेटा कीता ते हो गए। ए फल लियाना नहीं, लेकिन अगर आज खुदा ने हम सब की जिंदगी में ये साल 2024 आपको दिया है, आप उनसे आगे नहीं हैं, जो ही जहां फानी से कूच कर गए हैं, जिन्हें आज का दिन, आज का ये साल जो शुरू हो चुका है, वो इस साल में दाखिल नहीं हुए, आप उनसे बेहतर नहीं हैं, लेकिन खुदा ने आपसे मोहब्बत की है। खुदा चाहता है कि आप तौबा करें, खुदा चाहता है कि अगर मैं आऊं तो आपकी जिंदगी के अंदर फल होना चाहिए, ताकि आपको बढ़ाया जाए, आप खुदा के साथ रहें, आप खुदा के खानदान में मिल जाएं, आप आसमान की बादशाही में मिल जाएं। खुदा नहीं चाहता कि तानू कटिया जाए, तुसी अग दा बालन बनो अदा जन्म दा। खुदा आपकी फिक्र करता है, इसलिए आपको मौका दे रहा है। और पादरी अगर कलाम सुना रहे थे, पादरी की कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई औकात नहीं, क्योंकि कलाम च लिखा है बोलने वाले तुसी नहीं, खुदा दा पाक रूह है। अगर मैं कलाम सुना रहा तो यह मेरी कोई औकात नहीं है, अगर मेरे च भी फल नहीं तो मैं भी उस लैन दे विच जिथे सारे होंगे। इस वास्ते जरूरत इस गल की है, अज समझन की गल है कि अगर यीशु मसीह आ जाए तो हमारी जिंदगी में फल नजर आने चाहिए। हालेलुया। बागबान कहता है कि इसे एक और साल दे दे, मैं मेहनत करूंगा। बागबान तो मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर अंजीर के दरख्त में फल नहीं लग रहा तो आज जरूरत इस बात की है कि हमारी जिंदगियों में फल नजर आने चाहिए, ताकि खुदा हमारे करदार से, लोग हमारे चाल चलन से हमारे बाप की क्या करें, तमजीद करें। आपके करदार से लोग बदले, आपकी बातों से जो है कि दूसरे के लिए आपकी बातें बाबरकत ठहरे, दूसरे के लिए आप दूसरे के घराना के लिए बाबरकत ठहरे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब सर खुदा की हजूरी में झुक जाएंगे। हालेलुया। इकरार करेंगे, सब दुआ करें। हालेलुया, तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया, तेरी शुक्रगुजारी। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, दुआ करना शुरू करें, उसके नाम को जलाल दें, उसके नाम की तमजीद करें। आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र। हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया,
तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। हम थोड़ी देर दुआ में ठहरेंगे। हम गुजरे साल की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे और जो खुदा ने हमारी जिंदगी में 2024 अता किया है, इस 2024 के लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदा इस साल हमें अपनी तमाम बरकतों से नवाजे, ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। और गुजरा सारा साल जो हमने गुनाह किए, हमने खताएं की, नाफरमानियां की, आज उन सब नाफरमानियों से हम तौबा करें, गुनाहों से तौबा करें और उसे कहें, ऐ खुदा अब तू जब आए तो हमारी जिंदगी में तुझे फल नजर आए, हमारी जिंदगी में तेरा नाम जलाल पाए। और खुदावंद हम तेरे हजूर मिन्नत करते हैं, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, तेरा फजल, तेरी रहमत, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे इस हम खुदा के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने जो आज का कलाम हमारी जिंदगी में बख्शा, उस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे और ये दुआ हम बहन मीरब के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कदोस कदोस सिंधा आसमानी बाप, पहरे बर के खालिक मालिक सिंधा खुदावन, प्यारे खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा बाप, गुजरे सारे साल के लिए खुदा बाप कि तूने अपने पनाह में रखा खुदा बाप, और अपने इलाही खजानों से हमारी तमाम जरूरियात को पूरा किया खुदा बाप, हमें हर तरह के बहुत ताजी से खुदा बाप तूने महफूज रखा, तेरी बेहद शुक्र गुजारी करते हैं खुदा बाप। और खुदा बाप जो हमसे गलती गुनाह हुए खुदा बाप तूने उनको माफ करके खुदा बाप हमें गहरा फजल अदा किया खुदा बाप कि हम नए साल में दाखिल हो सके और अपनी पुरानी जिंदगी को, गलती गुनाहों को, अपनी खताओं को तर्क करके तेरे नाम से खुदा बाप नए साल का आगाज करते हैं खुदा बाप, और तुझसे मिन्नत इल्तिजा करते हैं खुदा बाप के तो हमारी कांट छांट कर खुदा बाप, ताकि हम फल लाने वाले बने खुदा बाप, और जब तू हमें देखने को आए खुदा बाप तो हम अपने फलों से पहचाने जाए और तू हमसे खुश हो कि हमने तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारा और हम फल फलदार साबित हुए खुदा बाप। खुदा बाप इस नासी गुजरे साल के लिए खुदा बाप तेरी बेहद शुक्र गुजारी करती हूँ खुदा बाप, और आने वाले साल खुदा बाप जो तूने हमारी जिंदगी में अदा कर दिया है खुदा बाप, तेरे हजूर से मिन्नत इल्तिजा करते हैं खुदा बाप, ये साल तमाम जानों के लिए बाइस से बरकत हो खुदा बाप, तो अपने लोगों को जिस्मानी, रूहानी और माली जरूरियात से खुदा बाप लबरेज करना खुदा बाप, और अपने लोगों को खुदा बाप इस नसी के तरफ फजल अदा करना खुदा बाप कि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके खुदा बाप, और तेरे हजूर में खुदा बाप अकल दनाई से खुदा बाप तेरे रूह से खुदा बाप तेरे घर में आकर खुदा बाप तेरे नाम की तमजीद कर सके खुदा बाप। खुदा बाप हम सिर्फ रस्मी दुनियावी नारे हैं बल्कि हम तेरे रूह से मामूल होकर तेरी प्रस्तिश, तेरी इबादत और अपनी जिंदगियां तुझे देने वाले बने खुदा बाप, हम रोज सच्चाई से तेरी प्रस्तिश, तेरी बंदगी करने वाले बने खुदा बाप, ताकि ये साल खुदा बाप साल के आगाज से लेके आखिर तक तेरा आसमान हर एक जान पर खुला रहे और तेरी बरकतें मीं की तरह बरसती रहे और हमारे दिल बंजर नहीं बल्कि सैराब हो तेरे कलाम से। खुदा बाप हर एक जान को छुना बड़ी बरकत अदा करना, एक बार फिर से तेरे खूबसूरत कलाम के लिए तेरी बेहद शुक्र गुजारी करते हैं, अपने कलाम पर अमल पैरा होने का भी फजल अदा कर, मांगती हूँ तेरे जिन्ना कदस और जलाली नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए मेरे अजीज़ो खुदा के दिए में से अब हम खुदा को लौटाएंगे और खुशी के साथ खुदा के हजूर हदिया नजराने पेश करेंगे। Yeah.
Thank you.
और हम शुक्रगुजार हैं इन तमाम बच्चों के, आप सब के लिए, आप हमारे दरमियान आए और हम दिल से आपको वेलकम करते हैं और बरकत की दुआ देते हैं। और अभी हम गुलबाज साहब से एक नज़म जो है कि नए साल के ताल्लुक से सुनेंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, नए साल की ढेरों खुशियां आप लोगों को मुबारक। नए साल के हवाला से बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं और सीखते भी आ रहे हैं, नज़म तो नहीं है लेकिन नए साल के हवाला से कुछ खुलासा पेश करूंगा छोटा सा बाइबल मुकद्दस में से। नज़में तो शायरी के हवाले से और बहुत सारी नज़में लोग लिखते भी हैं, पढ़ते भी आए हैं, लेकिन भाई साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी बाइबल में से होना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो कोशिश की है भाई साहब, मैं कोई आलम नहीं हूँ, कोई मुअल्लम भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। सो भाई साहब थैंक यू सो मच। नए साल की अहमियत कलाम मुकद्दस के मुताबिक आज हम चंद मिनट देखेंगे कि कलाम मुकद्दस में नए साल को कितनी अहमियत हासिल है, खुदावन ने नए साल को क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, इसका खुलासा पेश करने जा रहा हूं। नया साल है, हम आज नए साल में दाखिल भी हो गए हैं, सो कोशिश करेंगे कि बात भी नहीं हो और जिंदगी भी नहीं हो। कलाम मुकद्दस में कुछ हवाला जात देखेंगे, पदाइश 8:13 आयत और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को, मतलब आज के दिन, और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है, और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल खुश्क हो गई। हम सब जानते हैं नूह के तूफान को, ये उसी तूफान की बात हो रही है जब पानी आया, लोग मर गए, सारी दुनिया खत्म हो गई। तो खुदा ने पहले महीने की पहली तारीख को एक नई दुनिया का आगाज किया, जमीन को फिर से फलदार किया और जमीन उसके रहमो करम से फिर से आबाद हो सके। खरूज 40:1 आए और खुदावन ने मूसा से कहा पहले महीने की पहली तारीख को तो खैमा इज्तमा के मस्कन को खड़ा कर देना और उसमें शहादत का संदूक रख कर संदूक के बीच का पर्दा खींच देना और मेज को अंदर ले जाकर उस पर की सब चीजों को तरतीब से सजा देना और शमादान को अंदर लेके उसके चराग को रोशन कर देना। खरूज 40:17 आए और दूसरे साल के पहले महीने, ये जो पीछे मैंने बताया मूसा ने उस पर अमल किस तरह से किया, और दूसरे महीने अगले साल की बात, और दूसरे महीने के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया और मूसा ने मस्कन को खड़ा किया और खानों को धरान में तख्ते लगाकर उनके बेड़े खींच लिए और उसके सतूनों को खड़ा कर दिया। दूसरी तारीख 29:17 है और पहले महीने की पहली तारीख को उन्होंने तकद्दस का काम शुरू किया और उस महीने की 8वीं तारीख को खुदावंत के सारे इशारे तक पहुंचे और उन्होंने 8 दिन बाद खुदावंत के घर को पाक किया। अज़रा 7:9 आए
क्योंकि पहले महीने की पहली तारीख को वो बाबुल से चला और पांचवें महीने की पहली तारीख को यरूशलेम में आ पहुंचा, क्योंकि उसके खुदा को शफकत शफकत का हाथ उस पर था। हिजकिय्याह 29 बाब 17 आयत। 27वें बरस के पहले महीने की पहली तारीख को खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, शाह बाबुल नबूकदनज़र, तू अपनी फौज से सूर की मुखालफत में बड़ी खिदमत करवाई है। हिजकिय्याह 45 बाब 8 आयत। खुदावंद यूं फरमाता है कि पहले महीने की पहली तारीख को तू एक बेअहम बछड़ा लेना और मकदस को पाक करना और काहिन खता की कुर्बानी के बछड़े का लहू लेगा और उसमें से कुछ मस्कन के सतूनों पर और मस्बा के की कुर्सी के चारों कोनों पर और सेहन के दरवाजे की चौखों पर लगाएगा। बाइबल मुकद्दस की रूह से देखें तो नए साल की बहुत अहमियत है। इस दिन भी बहुत से काम सरजद, इसके अलावा भी बहुत से काम सरजद हुए, मगर सवाल यह है कि आज हम किस तरह से नए साल को मनाते हैं। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। क्या हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही नए साल को मनाते हैं? और पुराना तो गुजर गया, क्या हम नए साल में अपनी जिंदगी भी बदलेंगे, नहीं करेंगे जो कि ऐन कलाम के मुताबिक होगी? एक शेर बयान करूंगा पिछले साल के हवाला से, फिर इसी के साथ ही खत्म करूंगा। बता रहा है शजरे गुजरते हुए पत्तों को, बता रहे हैं शजर से गिरते हुए पत्ते, साथ जिसका भी हो हमेशा के लिए नहीं होता। बता रहे हैं शजर से गिरते हुए पत्ते के साथ जिसका भी हो हमेशा के लिए नहीं होता। जाते हुए बरस तुझको सौंपा खुदा को, जाते हुए बरस तुझको सौंपा खुदा को, मुबारक मुबारक नया साल सबको। थैंक यू सो मच। कि हमें कोशिश करनी चाहिए और जो हवाला चार भाई ने बताए बहुत अच्छी बात है, तो अगर आप भी कोशिश करें तो आप भी कर सकते हैं। और लेकिन अभी इस नए साल में हम कुछ तब्दीलियां भी करेंगे, पीछे जेलियां कमजोरियां होंगी ना उन्हें असी दूर करांगे ते अगों नए अंदाज दे नाल कि जेड़ा कलीसिया की बढ़ोतरी आस्ते भी होवे, चर्च की बढ़ोतरी भी होवे, ते असी जेड़े ने रूहानी रूहानियत वाल जेड़े ना कि असी वधदे जाइए। ते मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप बहने भी अपने आप को तैयार करें। जरूरी नहीं कि एक बंदा ही मीटिंग प्रेजाइड करी आवे, एक बंदा ही गाही आवे। जो बेटियां बेटे मीटिंग प्रेजाइड